भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया था। पहले वनडे मैच में विराट और रोहित ने अपने शानदार प्रदर्शन से ही भारत को ये मैच जिता दिया था। बता दें कि भारतीय टीम के ये दो शेर विराट और रोहित दूसरे वनडे मैच में भी कई रिकॉर्ड बना सकते हैं। बता दें आपको कि इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय टीम का ये 950वां वनडे मैच होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे मैच 1974 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में खेला था। भारत ने यह मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और 55 ओवरों के साथ ये मुकाबला 23 गेंदों के रहते जीत लिया था। बहरहाल अभी के मैच की बात करी जाए तो भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव आया है। बता दें आपको कि खलील अहमद को हटाकर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर वेस्टइंडीज टीम की बात करी जाए तो वेस्टइंडीज टीम में कोई बदलाव नहीं है। और अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वेस्टइंडीज टीम इस बार के मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन करती है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।